असलम हैरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज का जो हमारा टॉपिक है दट्स अबाउट कन्वर्सेशन एनालिसिस सो इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं दोज़ आर बैकग्राउंड टू कन्वर्सेशन एनालिसिस कन्वर्सेशन एनालिसिस सिक्यूंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इन कन्वर्सेशन ओपनिंग कन्वर्सेशन क्लोजिंग कन्वर्सन टर्न टेकिंग एडजेंसी पीरियडस एडजेंसी पीरियड एंड स्टेज ऑफ देशन प्रेफरेंस ऑर्गनाइजेशन इन सजेशन सिक्वेंसिस फ़ीडबैक रिपेयर तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड बैकग्राउंड टू कन्वर्सेशन एनालिसिस कन्वर्सेशन एनालिसिस की जो ओरिजिन है वो नाइनटीन में हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से लॉस एंजल्स इसमें हमारे पास तीन अहम राइटर आते हैं जो सबसे पहला राइटर है वो है कर्फिकल गॉफमैन और तीसरा राइटर है और उसके कुलीग थे सैक्स और इसके कुलीग थे तो ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी an approach to study of social action which sought to investigate social order as it was produced throughout through the practices of everyday talk conversation analysis means the study of talk that's what that's conversation analysis or sex had a particular interest in the orderly nature of talk and how there might be systematic कम्यूनलिटीज़ इन स्पोकन इंटरेक्शन दैट अकर अक्रॉस पार्टिसिपेंट्स एंड कंटेक्सट तो सेक्स को जो था इंटरेस्ट था लोगों के कन्वर्सेशन में जो डिफरेंट कम्यूनिटीज में जो डिफरेंट लोग कन्वर्सेशन करते उसमें उसको मतलब इन्वेस्टिगेट करना इसका इंटरेस्ट था कन्वर्सेशन एनालिसिस स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड टू द लॉस एंजेलिस सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर दिस वर्क दैन कंटीन्यूड विद द एक्मिनेशन ऑफ मोर ordinary telephone calls and conversation and has since been extended to include spoken interactions such as doctor patient consultations, legal hearings, news interviews, psychiatric interviews and interactions in courtrooms and classrooms. So first of is ki examination start with means is ku examine kia gata telephone calls the blog एक दूसरे को कॉल करते तो सबसे पहले क्या बोलते हैं उनकी कन्वर्सेशन किस तरह होती है इसी तरह फिर इन्होंने जो है एनालाइज़ किया डॉक्टर पेशेंट के कंसल्टेशन को लीगल हेयरिंग को न्यूज़ इंटरव्यूज़ को साइकेट्रिक इंटरव्यूज़ इंटरेक्शन इन कोर्ट रूम्स एंड क्लास जो स्टूडेंट्स के बीच होते कन्वर्सेशन एनालिसिस की अगर डिफिनीशन देखें कन्वर्सेशन एनालिसिस इज़ अ पॉपुलर अप्रोच टू द स्टडी ऑफ डिस इट इज़ अ वे of thinking about and analyzing the pragmatics of ordinary conversation. आम कन्वर्सेशन को एनालाइज़ करना यही तो कन्वर्सेशन एनालिसिस है फोकसिंग ऑन द इंटरेक्टिव प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एवरीडे डे इवन जो रिकॉर्डेड गुफ्तगू होती है नेचर अकरिंग कन्वर्सेशन होती है और टॉक इन इंटरेक्शन जो आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो दैट्स व्हाट दैट्स कन्वर्सेशन सो इन सब को एनालाइज करना ये क्या है कन्वर्सेशन एनालिसिस इसकी दूसरी डिफीनशन ये है इन सोशल लैंग्विस्टिक्स कन्वर्सेशन एनालिसिस आल्सो कॉल्ड टॉक इन इंटरेक्शन एंड इज द स्टडी ऑफ टॉक प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन इंटरेक्शंस तो इसमें भी यही बात करा कि लोगों के जो इंटरेक्शन है उसको एनालाइज करना उनके कन्वर्सेशन को एनालाइज करना ये क्या है कन्वर्सेशन एनालिसिस है सेक्स एंड स्ट्रक्चर इन कन्वर्सेशन एनालिसिस अ पर्टिकुलर इंट्रस्ट इन कन्वर्सेशन एनालिसिस इज सिक्वेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन डिस्कोर्स एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन दैट हैिन फ्राम दिस परस्पेक्टिव इंक्लूड कन्वर्सेशनल ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग्स तो ये इसके कुछ जो खास प्रिंसिपल हैं वो बताए गए जैसे क्लोजिंग एंड ओपनिंग टर्न टेकिंग सिक्वेंस ऑफ रिलेटेड एट्रेंसेज जिसको हम एडर्जेंसी पेयर्स कहते हैं प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ एट्रेंसेज जिसको हम प्रेफरेंसर ऑर्गनाइजेशन कहते हैं फीडबैक कन्वर्सेशन रिपेयर तो ये सारी चीज़ें एक एक को हम डिस्कस करेंगे आगे अब बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास होता है वह है ओपनिंग कन्वर्सेशन्स वन एरिया वेयर कन्वर्सेशनल ओपनिंग्स हैगजामिन इन डिटेल्स इन दिस एरिया ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन तो ओपनिंग कन्वर्सेशन का जो इन्होंने जो एग्जामिनेशन की थी एग्ज़ामिन किया था वो कहाँ से किया था टेलीफोन कॉल से सच गोल्फ एनाल अ लार्ज डेटा सेट ऑफ टेलीफोन ओपनिंग्स टू कम अप विद द फॉलोइंग कैनोनिकल ओपनिंग फॉर अमेरिकन प्राइवेट टेलीफोन कन्वर्सेशन तो ये एक राइटर थे जिसने एनालाइज किया था अमेरिकन टेलीफोन कन्वर्सेशन को जो अमेरिकन प्राइवेट टेलीफोन कन्वर्सेशन को उसको किस तरह एनालाइज किया था ये उसकी जो है समरी है जो वर्ड्स जो लोग स्टार्ट में बोलते हैं वो किस तरह बोलते हैं जब भी फ़ोन पे बात करते हैं मीन्स टेलीफोन पे बात करते हैं रिंग आंसर समिक्वेंस अब रिंग चल रही है रेसिपेंट हेलो कॉलर हाई ईडा अब आइडेंटिफिकेशन होती है मीन्स रिकगनाइजेशन होती है एक दूसरे की रेसिपेंट या कॉलर हाई दिस इज कॉल अब यहाँ पे इन दोनों की मतलब ग्रीटिंग हो गई ठीक है मतलब एक कह रही है हाई दूसरा भी कह रहा है हाई सो so, इस तरह इनकी ग्रीटिंग्स जो है स्टार्ट हो गई अब रेसिपेंट के हाई करला एंड कॉलर हाउ आर यू जिसने कॉल की है हाउ आर यू सिक्स इस तरह दूसरे ने भी आगे से यही बोला रेसिपियन ओके कॉलर गुड गड हाउ अबाउट यू मतलब एक पूरी जो है इन्होंने सबसे पहले जो आप जब भी मतलब बात करेंगे अब ये अमेरिकन जो अमेरिकन प्राइवेट टेलीफोन के उसकी बात कर रहा है कंपनी की कि वहाँ पे जब ये कॉल आते थे तो सबसे पहले ये लोग क्या करते थे एक दूसरे का हाल हवाल पूछते थे मतलब अमेरिका में भी यही सिस्टम है कि जब भी कॉल करते तो इस तरह डिटेल में एक दूसरे का हाल हलावाल पूछते हैं फिर उसके बाद कॉलर फाइन डॉन वांट्स टू नो रीज़न फॉर रीज़न फॉर कॉल सिक्वेंस इसी तरह आप डिफरेंट कन्वर्सेशन जो है स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर मेन चीज़ आप लोगों ने क्या रिमेंबर करनी है कि सबसे पहले जो कॉल जब भी जाती है ना तो ये लोग एक दूसरे का जो है हाल हवाल पूछते हैं स्टडी study आउट out by अगलेन इन ऑस्ट्रेलिया found a सिमिलर पैटर्न और ओपनिंग कन्वर्सेशन अब यहाँ पे ये बात करें कि ऑस्ट्रेलिया भी सेम टू सेम यही पैटर्न था लोग जब भी एक दूसरे को कॉल करते थे मतलब ओपनिंग कन्वर्सेशन जिसे हम कहते हैं टेलीफोन पे तो वो भी सेम टू सेम यही करते थे मतलब जैसे अमेरिका ने किया था अमेरिकन लोग करते थे जो अमेरिकन डेटा जिस आ, जो राइटर है जिसने इशू किया था अपना एक आर्टिकल उस हवाले से तो सेम टू सेम ऑस्ट्रेलियन भी यही करते थे इन स्टडी ऑफ टेलीफोन ओपनिंग्स इन मैंड्रेरियन चाइनीज अब यहाँ पे चाइनीज़ की बात है यंग 1997 नाइनटी फाउंड द स्पीकर हर स्टडी आल्सो बिगैन देयर विद कॉस एंड आइडेंटिफिकेशन रिकगनेशन सिक्वेंसिस द ग्रेटिंग एंड हाउ आर यू सिक्वेंसिस फाउंड इन अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन फोन कॉल्स हाउ तो ये भी इनमें कॉमन थी मतलब चाइनीज में भी जैसे हाउ आर यू वर लेस कॉमन और इवन एबसेंट इन हर डेटा मतलब या तो ये बहुत कॉमन थी या बिल्कुल एबसेंट थी जो यू का सिस्टम था चाइनीज़ में तो मीन्स चाइ जो चाइनीज़ सिस्टम था वो थोड़ा डिफरेंट था तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अब यहाँ पे आगे एग्जांपल आते हैं एग्जांपल में चाइनीज़ क्या कहते हैं जो सबसे पहले जब रिंग जाती है तो क्या रेसिपेंट वे मीन्स अब ये चाइनीज़ वर्ड है जिसका मतलब है एलो आंसर तो यही मतलब कॉलर जिंग होंग जिंग होंग का मतलब आइडेंटिफिकेशन अब ये अपनी आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं रेसिफेंट ये मींस यस रिकगनेशन अब एक दूसरे से जो है इनकी पहचान होगी सेम जैसे अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन में भी यही था कि वो एक दूसरे से सबसे पहले हेलो हाई करते थे लेकिन दूसरे का हलावाल पूछते थे लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा डिफरेंट है मतलब इस तरह डिफरेंट एक ही दफ़ा इन्होंने पूछा है लेकिन वहाँ पर क्या था दो तीन दफ़ा ये लोग पूछते थे हेलो हाय तब जाके उनकी जो रियल टॉपिक थी वो स्टार्ट होती थी लेकिन यहाँ पे एक दो दफ़ा ये पूछ के अपने टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग कन्वर्सेशन किसे कहते हैं शिकलॉफ एंड सेक्स हैव आल्सो लुक्ड एट कन्वर्सेशन क्लोजिंग्स लाइक दिस वर्क हैज़ सिंस बीन अब इन्होंने ये भी एग्जामिन किया कि क्लोजिंग कन्वर्सेशन किस तरह होती है दिस वर्क हैज़ बीन कंटिन्यू टू बटन 1987. एटी सेवन हु इज़ इन हिज डिस्कशन ऑफ टेलीफोन क्लोजिंग्स पॉइंट ऑफ दिलफोन क्लोजिंग यूजली गो ओवर फॉर टर्म्स ऑफ टॉक मेड अप

या तो बाय बाय पे होती है या गुड बाय पे होती है कॉल दिस एन आर्किटाइप क्लोजिंग अब ये एक और नाम दिया गया है इन दिस क्लोजिंग बोथ स्पीकर म्यूचुअली निगोशिएट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन अदर अब मतलब दोनों जो हैं एक दूसरे को बाय बाय कह देते हैं तो ये यही बता रहा है पूरे पैराग्राफ में द क्लोजिंग मे आल्सो बी प्रिस बाई सीरियल प्री सिक्वेंस सच एज मेकिंग ऑफ एन Arrangement referring back to something previously said in the conversation, the initiate the initiate the initiation of a new topic, which may not be responded to. Good wishes such as give my love to Jane, a reset a restatement of the reason for calling and thanks for for calling something. अब यहाँ पे बड़ी important बात कही है। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब भी closing conversation होती है, कभी-कभार हम क्या करते हैं कि फलाने बंदे का नाम लेके, उसे हम कहते कि मेरा सलाम उसे करना। या मेरा सलाम उसे देना तो ये क्या होता है ये भी एक चीज़ इन्होंने नोट की अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कन्वर्सेशन में कि मतलब लास्ट में ये लोग कहते हैं कि मेरा सलाम जो है फला बंदे को देना या ये करना वो करना जिसको हम गुड विशेज़ कहते हैं हाव एवर द क्लोजिंग मे भी फॉर शॉर्ट एंड व्हेन द आई के क्लोजिंग स्किप्ट ओवर एंड अ शर्ट क्लोजिंग टेक्स प्लेस इक्वली द क्लोजिंग मे बी एक्सटेंडेड बाई

To the speaker's orientation और or to कंटिन्यू क्लोजिंग और नॉट wanting to क्लोज the conversation तो ये कुछ नए वर्ड्स हमारे सामने आ गए इनको भी रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है लेकिन यहाँ पे लास्ट में यही बता रहा है कि क्लोजिंग जो है बहुत डिफ़िकल्ट होती है मतलब हर बंदे का जो कन्वर्सेन का जो स्टाइल होता है टेलीफोन पर बात करने का उनकी जो एंडिंग होती है क्लोजिंग कन्वर्सी वो डिफरेंट होती है अब हमारे पास जो दूसरी प्रिंसिपल आती है वो है टर्न टेकिंग Conversation analysis has also examined how people take and manage turns in spoken interactions. टर्न टेकिंग का मतलब यही है कि अपनी बारी कैसे लेनी है और दूसरे को बारी मतलब दूसरे को बात करने की बारी मतलब उसको बात करने का मौका कैसे देना है अब उसमें क्या होता है टर्न टेकिंग में जो स्पीकर है वो लिसनर बन जाता है और जो लिसनर है वो स्पीकर बन जाता है ओबियसली अगर मैं बात कर रहा हूँ मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ तो मैं कभी ना कभी मतलब स्टॉप कर लूँगा ये वीडियो फिर उसके बाद आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप क्या करेंगे आप अभी लिसनर हो सेम टू सेम तब मैं जो है मतलब वीडियो जब ऑफ होगी तो ओबियसली आई विल नॉट स्पीक द सेम जब आप दोस्तों के साथ बैठोगे तो जब दोस्त एक बात कर रहा होता है तो दूसरे जो है खामोश होते हैं इसी तरह जब जो बात कर रहा होता है वो जो वो क्या है वो स्पीकर है जो दूसरे जो सुन रहे वो क्या है लिसनर है तो तब जाके जो स्पीकर है वो उनमें मतलब जो स्पीकर है वो रुक जाता है दूसरा जो लिसनर है उनमें से एक आके जो है मतलब बात करना स्टार्ट करता है तो जो लिसनर है वो फिर स्पीकर बन जाता है और जो पहले स्पीकर था वो लिसनर बन जाता है सो आई होप ट्रं टेकिंग की समझ आई होगी सो देयर आर अ नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिग्नल दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ अ टर्न दिस मे बी थ्रू द कंपिटिशन ऑफ असिसमेट सिंथेटिक यूनिट और इट मे बी थ्रू द यूज़ ऑफ फॉलिंग इंटनेशन वी मे आल्सो इन यूनिट विद सिग्नल सच इज मम और एनी वे अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जब भी टर्निंग पॉइंट टर्निंग टेकिंग होती है टर्न टेकिंग होती है सॉरी तो जो टर्न टेकिंग होती है उसमें जब कभी कभार हम अपनी बात की एंडिंग करते हैं या जब दूसरे को मौका देते हैं या कन्वर्सेशन की एंडिंग ओबियसली जब हम करते हैं तो मम या एनी anyway वे जो है यूज़ करते हैं ई टी सी विद सिग्नल एंड ऑफ दर्न या द इन ऑफ अ टर्न में आल्सो वी सिग्नल ट्रू आई कॉन्टैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जब हम बात कर रहे होते जब हमने अपनी बारी ख़त्म करनी होती है तो हम क्या करते हैं सिग्नल देते हैं सिग्नल किस तरह अपने आई कॉन्टेक्ट या बॉडी पोजीशन चेंज करते हैं मूवमेंट करते हैं जिससे वो जो लिसनर होता है उसको महसूस होता है वो फील करता है कि द पर्सन हु इज़ टॉकिंग मींस हु इज़ स्पीकिंग अब वो जो है नहीं बोलना चाहता अब मुझे कुछ बोलना है तो ये क्या हुआ ये टर्न टेकिंग हुआ By contrast, we may hold on to turn by not pausing too long at the end of an utterance and starting straight away by saying something else. We may also hold on a turn by pausing during utterance rather than at the end of it. We may increase the volume of what we are saying by extending a syllable or a vowel. Or we may speak over someone else's attempt to take our turn. This <laughs> <laughs> paragraph me mum words anyway. अब इसका ये मतलब नहीं होता इन अब बाई कंट्रास्ट वर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है इस वर्ड्स का ये मतलब बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता कि जो स्पीकर है वो अपनी कन्वर्सेशन को इन करना चाहता है नो no, समाइम्स वो पॉज देना चाहता है मीन्स वकफ़ा देना चाहता है दूसरी बात के लिए वकफ़ा लेता है तो तब वो यूज़ करता है ये वर्ड्स द प्रीवियस एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्सेशन ओपनिंग्स शो हाउ स्पीकर्स गिव अप टर्न्स बाय द कम्पलीशन ऑफ सिथेटिक यूनिट्स एंड फॉलो एफ दाइनल एट्रेंस इज़ द टेलीफोन सेल इन एक्सट्रैक्शोज हाउ द स्पीकर होज ऑन हर फाइनल टर्न आंटिल शी हैथिंग शी वांट्स टू शी लेंथन दिलेबस इन वेल एंड अर्न पॉज ड्यूरिंग तो ये भी वही बात कर रहे हैं अब यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ की बात की यहाँ पर उसने टेलीफोन की बात की है टेलीफोन की बात किस तरह की है? जब भी कहते हैं कि टेलीफोन पर जब आप किसी और को मौका देना चाहते हो तो आप कौन से वर्ड यूज़ करते हो मतलब आप जो है पॉज़ देते हो या उम यूज़ करते हो या वेल यूज़ करते हो तो ये वर्ड्स यूज़ करके इट मींस आप दूसरे बंदे को मौका देना चाहते हो एंड स्पीकर पॉज एट द एंड ऑफ अ टर्न इट्स नॉट ऑलवेज द केस हावर दैट द नेक्स्ट स्पीकर विल ने टेक इट अप अब ये वही बात करें कि जरूरी नहीं है कि जो पॉज लेगा तो इसका ये मतलब है कि वो दूसरा स्पीकर जो है वो बोलने लगे या yeah, सॉरी जो लिस्नर है वो अब बोलने लगे द पॉज एंड द लेंथन ऑफ द पॉज बिकम सिग्निफिकेंट इन इंग्लिश एट लीस्ट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ आ यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल डिस्कशन द नॉमिनेटेड स्पीकर योंग वोंग योंग डज नॉट ये चाइनीज है डज नॉट रिस्पोंड टू आफ्टर वन सेकेंड पॉज द लेक्चर आस्क अगेन अब ये बेस्ट एग्जाम्पल ये आगे हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो इस पूरे पैराग्राफ में यही बता रहे कि अब आगे हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे उसमें क्या होता है कि एक लेक्चरर होता है और एक स्टूडेंट होता है जब उसे सवाल करता है वो पॉज किस तरह देता है ये सब अब इस एग्ज़ाम्पल में देखते हैं लेक्चरर ओके लेट्स मूव ऑन अब ये जो है लेक्चरर ने क्या कहा कि लेट्स मूव ऑन अब ती ये क्या है ये बॉय है एंड वोंग योंग कैन यू मतलब आप पढ़ना चाहोगे उसने पॉज दी वन मतलब पॉज दी है लेक्चर द लास्ट एलेवन जीरो पॉइंट सिक्स अब इसने फिर पॉज दी वोंग योंग वट इज़ अ प्रोफेशन अब वोंग योंग जो है मतलब सवाल पूछने लगा है कि प्रोफेशन है क्या वट डिस्टिंगज अ प्रोफेशन फ्रॉम ट्रेड एंड वट डज इट मीन टू बी अ प्रोफेशनल डज बीग अ प्रो प्रोफेशनल इफेक्ट द वे यू ड्रेस स्पीक एंड बिहेव टूवर्ड्स अदर एटवर्क सो अब यहाँ पर पॉज आ गई योंग वोंग योंग ओह यहाँ पे अब फिर वो जो है पॉज ले रहा है तो लेक्चरर कमेंट्स लेक्चर जो है कमेंट करती तो इसका मतलब यही है इस कन्वर्सेशन का कि ज़रूरी नहीं है कि जो पॉज ले रहा हो तो वो अपनी कन्वर्सेशन को एंड कर रहा हो करना चाहता है या मतलब वो जो है ये शो करा रहा है कि मुझे नहीं आता तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि जो स्टूडेंट है उसको सब कुछ आता है और उसने पॉज ली है और फिर उसने ये सवाल पूछे A speaker may also use our left strategy for taking a turn as well as to prevent someone else from taking the turn. The following example from the same data set shows this here the lecturer has asked that she a question, but another student Kelly wants to take the turn and constantly uses our left to do this. Now, here we suppose a best example in classes maybe we have to see the teacher who has pushed all students to push all students to the same to same. Here we student to ask all students to ये जो है रिस्पॉन्स देने लगती है लेक्चरर देर आर हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन एच एस सी कोर्सेज हाउ मनी लैंगवेज कोर्सेज मतलब कितने कोर्सेज है उस लैंग्वेज के तो या वो कोर्स कितने लैंग्वेज में हैं कैली कहती है थर्टी एट अब टैट वो अगेन पॉज ले रहा है ऊँ कर रहा है और कैली थर्टी एट कह रही है अगेन अगेन वो ओ कर रहा है फिर पॉज उसने बड़ा पॉज लिया जीरो पॉइंट थ्री लेक्चर नो देर आर थर्टी एट तो अब लेक्चरर ने जवाब दिया ऐसी तरह तैरसी लैंग्वेज लेक्चरर बट ईच लैंग्वेज इज मोर देन वन कोर्स तैरसी जब यहाँ पर कन्वर्सेशन जो है जारी रहती है के लिए, ओ दैट्स राइट या।, या पूरे कन्वर्सेशन का मतलब ये है कि जब भी क्लास में कोई टीचर बात करता है किसी और स्टूडेंट से तो जो दूसरा बंदा इंटरफेयर या जो दूसरा स्टूडेंट इंटरफेयर करता है ये भी जो है कन्वर्सेशन एनालिसिस में आता है अब टर्न टेकिंग वेरियस अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सिचुएशन इन क्लास रूम फॉर एग्जाम्पल इट्स अपॉन द टीचर हु नॉमिनेट्स हु कैन टेक अ टर्न स्टूडेंट मे और मे नॉट रिस्पॉन्ड और स्टूडेंट मे कम्प्लीट या कम्पलीट टू टेक द टर्न सो so, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि कभी कभार क्या होता है क्लास में जब भी दूसरा स्टूडेंट इंटरफेयर करता है सपोज़ एक स्टूडेंट से जब कोई टीचर सवाल करता है तो जब दूसरा स्टूडेंट इंटरफेयर करता है तो इसके कई वजूहत हो सकते हैं टर्न टेकिंग जब वो टर्न टेकिंग करता है अगर कन्वर्सेशन के कन्वर्सेशन एनालिसिस की ज़बान में बात करें तो उसको हम टर्न टेकिंग कहते हैं तो वो क्यों करता है या तो वो कंपटीशन में होता है ठीक है या वो जो है मतलब जो टॉपिक चढ़ जो टॉपिक चल रहा होता है क्लास में वो जो है रिलेटिवली जो है कोऑपरेटिव होता है मीन्स टीचर सबको एक साथ ले कर चल रहा होता है तभी जो है वो इंटरफेयर करता है तो ये वजूहत इसने यहाँ इस पैराग्राफ में बताई अ टर्न कंस्ट्रक्शनल यूनिट फर्दर कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल वर्ड सच एज द एग्जांपल वेयर द लेक्चर सिंपली सेज सिम्पली और इट मे बी एन एक्सटेंडेड मल्टी मल्टी यूनिट टर्न द यूनिट में सिंपली बी

यू एच ये हो सकता है और ये क्यों होता है इसका मतलब ये है कि आई वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है 21 मिनट की हो गई है इसके जो अगले टाइप्स है एडजस्टेंसी फेयर्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so ये पार्ट वन है इसको आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट है वो मैं अपलोड कर लूँगा तो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह फेस टेक केयर ऑफ योर सेल